उत्तराखंड में वनाधिकार लागू करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में केशव उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना दिया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बाद में कांग्रेस ने बिजली पानी के बिलों की भी होली जलाई। इस मौके पर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा, उत्तराखंड प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वन से घिरा हुआ है। पूर्व में लोग वन पर ही निर्भर होते थे, लेकिन सरकार को वन अधिनियम लागू करने के बाद यहां के स्थानीय लोगों का वनों से अधिकार खत्म कर दिया गया, जिससे लोगों को अपने जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड में वनाधिकार लागू कर यहां के लोगों को दिल्ली की तर्ज पर पानी बिजली मुफ्त मिलने के साथ यहां के युवाओं को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, ये मुद्दा जो है हमारा 2006 का कानून है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स हैं और इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो जंगलों के बीच में रहने वाले लोग हैं, जंगलों पर जिनकी जिंदगी निर्भर करती थी, क्योंकि पीछे उसमें जो है फॉरेस्ट एक्ट में वो कमी रह गई थी, वो वापस मिलनी चाहिए। हमारी बहू बेटी कैसे अपने बच्चों को खाना बना के खिलाएगी, उसकी व्यवस्था नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सिलेंडर जो है रसोई गैस का प्रत्येक परिवार को एक महीने में निःशुल्क मिलना चाहिए। हम मुफ्त की बात नहीं करते हैं, आपने हमारी चीज़ खींची जो ली है हमसे, उसका आप कॉम्पनसेशन दीजिए। उसी तरह से बिजली और पानी के हम मालिक हैं और हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को निशुल्क बिजली और पानी मिलना चाहिए। इसलिए वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि वन अधिनियम लागू करने से पहाड़ के लोगों का वन से अधिकार खत्म हो गया, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पहाड़ में रहने वाले लोगों को, प्रदेश के लोगों को वनों से बहुत सी चीजें निःशुल्क उपलब्ध हुआ करती थी, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वन अधिनियम आने के बाद तमाम प्रकार की कटौती उसमें की गई, जैसे लकड़ी में की गई, पत्थर निकालने में की गई, तमाम और चीज़ों में की गई, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान वनों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने लगा है। वो फिर से बहाली हो, इसको लेकर के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं किशोर उपाध्याय जी, उनके संयोजन में एक कार्यक्रम चलाया गया है और ये मांग है कि दोबारा से पुरानी जो हमारी सुविधाएं हैं उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा गोविंद सिंह कुंजवाल ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को रियायत देने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।